हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईएएस इंजीनियरिंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ कॉलेज में। आज मैं यहाँ पर ट्रस और कलम कैसे लगाते हैं और क्या क्या काम होता है स्ट्रक्चर में, क्या क्या लगता है और सस्ते में स्ट्रक्चर कैसे बनाए वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, आज मैं आपको यही बताऊंगा कैंची कौन सी लगनी है, कौन सा साइज है और कॉलम कौन सा है और उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा है वो मैं आपको सब बताऊंगा। अगर आप सेट सस्ते में बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जहाँ से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कॉलम तो पहले से खड़े हैं, इसका साइज है 25x135। तो इसका ये साइज है, ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉलम हमारे पहले से ही खड़े हैं, तो ये देखिएगा, एक साइड में ये 8 कॉलम हैं और 8 कॉलम हमारे इधर के हैं। ये देखिएगा, ये है कॉलेज। मैं यहाँ पर कॉलेज में काम करने के लिए आया हूँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो वो दिखाने से पहले मैं आपको कॉलम के बारे में कुछ मैं आपको कॉलम के बारे में बता देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये ट्यूब है, बोले तो इसको पाइप बोलते हैं। ये 1.5 इंची बाई 1.5 इंची का पाइप है, इसमें 4 पाइप लगाए गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं बॉक्स कॉलम। और जी ये जो हमारी लगाई गई सपोर्टिंग टाई, तो ये हमारी 1 इंची बाई 1 इंची की पाइप है। ये देखिए, इसकी जो लेंथ है 10 फीट, इसकी लेंथ रखी गई है। और एक ट्रस बनी हुई है, तो ये ट्रस देखिएगा, हमारा ज़्यादा डिजाइन भी नहीं है, सिंपल है, लाइट वेट माल है। ये पुराने माल से ये बनाई गई है। तो ये देखिएगा, 2.5 इंची बाई 1.5 इंची का ये पाइप है और इसके बाद में 1 इंची बाई 1 इंची का पाइप दिया हुआ है राफ्टर में। तो देखिए ये कैंची का डिज़ाइन है, ये आपको दिख रहा है। इस कैंची की असेंबली भी मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको इसकी असेंबली देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जैसी लेटेस्ट वीडियो आपको